যন্ত্রপ্রাসাদের সাউথ গেটে টিএসআর ব্যান্ড ডিসপ্লের শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। টিএসআর এর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন সহ অন্যান্য পুলিশ ও টিএসআর আধিকারিকেরা। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রেখে বলেন, টিএসআর ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য গর্ব। জওয়ানরা উগ্রপন্থীর সমস্যা দমনে বড় সাফল্য অর্জন করার পাশাপাশি রাজ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং তারা শুধু মানুষের নিরাপত্তার কাজেই দায়িত্ব পালন করে তা নয়, পাশাপাশি তারা স্বাস্থ্য শিবির এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার মতো কাজেও দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পরে মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের উদ্যোগে সাজানো স্টলগুলো পরিদর্শন করে তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজকর্মের সম্পর্কে অবহিত হন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের সাথে কথা বলে তাদের কর্মস্থলে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং এ ধরনের অনুষ্ঠান সকল অংশের মানুষকে এসে উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সাহা। सुरक्षा का जहां तक सवाल है, जिस तरह उन्होंने काम किया है वो आप कह सकते हो, मैंने हमेशा उनको बोल सकते हो कि त्रिपुरा का नाम जो है उज्जवल किया है और खास करके जितना उग्रवादी त्रिपुरा में जिस तरह घूमते थे पहले, किडनैपिंग से शुरू करके उसके बाद मर्डर और एक्सट्रोशन, इनके खिलाफ टीएसआर का भूमिका हमेशा अच्छा रहा। तो टीएसआर हम लोग पहले जो जनरल पीपल है, ये लोग टीएसआर का मतलब क्या है, इनके लिए उनका सुरक्षा के लिए ये जो भावना, ये हमारा डीजी साहब का अभी अभी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, इनका ये कहना है कि हम लोग अगर हमारा जो ये बैंड है, बैंड का डिस्प्ले अगर पब्लिक के सामने हम रखे, इसको सामने रख के पूरा टीएसआर पब्लिक के लिए क्या क्या करते हैं, खाली सुरक्षा का काम नहीं करते हैं, ये लोग पूरा आपका फिलोसॉफिक वर्क भी करते हैं। अभी अभी हमने देखा बहुत सारा चीज, मेडिकल कैंप से शुरू करके उसके बाद कोई डिजास्टर मैनेजमेंट हो उसमें भी ये लोग काम किए हैं और खास करके टीएसआर में क्या क्या आर्म्स एम्युनिशन ये सब यूज करते हैं इसके भी डिस्प्ले ये लोग दिखाएंगे सब। तो इससे भी जो आने वाले जो हमारा युद्ध है, इन लोगों भी काफी टीएसआर या हमारा देश भावना जो है तो उसके ऊपर काफी, और आगे ये लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये जो पेट्रियटिज्म ये डेवलप हो और हर सैटरडे यहाँ पर ये करेंगे ये लोग। सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे स्कूल भी ये लोग, मैंने देखा बहुत सारे जगह स्कूल के बच्चे लोगों को भी हेल्प करते हैं, हमारा पोलियो वैक्सीन, पोलियो से शुरू करके इम्यूनाइजेशन।